हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा अपडेट, जो कि निकल के आ रहा है एसएससी जीडी की तरफ से 2023 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, आपका जो 2023-24 का रिक्रूटमेंट है उसके लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है कि फोर्सेस वाइज कितना सीट रहेगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो आप सभी को मैं बता दूंगी इसमें कंप्लीट डिटेल वे में कि इसके लिए जो सीट्स है कितना कितना रखा गया है, फीमेल्स का कितना है, ओवरऑल कितना आया है, बाकी सारे कंप्लीट डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इसको लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023-24 के लिए फोर्सेज वाइज सीट आउट हो चुके हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि आपका फॉर्म का अप्लाई डेट क्या है। आपका फॉर्म स्टार्ट होगा 24 नवंबर 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 28th ऑफ दिसंबर 2023 रहने वाला है। फॉर्म की फ़ी की बात करूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 100 रुपीज़, एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट से कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। रही बात एज लिमिट की, तो मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 23 इयर्स एज की लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी को 3 इयर्स का, एससी एसटी को 5 इयर्स का। रही बात फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम डेट भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एसएससी ने कि आपका फरवरी से लेके मार्च 2024 के बीच में ये पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। रही बात क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप 10th पास आउट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। तो आइए अब मैं बता देती हूँ फोर्सेज वाइज क्या सीट दिया है एसएससी ने। ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बीएसएफ के लिए रहने वाले हैं 4,445 सीट्स, असम राइफल्स के लिए रहेंगे 1,369, आईटीबीपी के लिए 234, सीआरपीएफ के लिए 3,163। इस बार एसएसबी का कोई सा भी सीट नहीं रखा गया है। सीआईएसएफ के लिए 90 सीट, एसएसएफ के लिए 20 सीट एंड एनसीबी का रहेगा 3 सीट्स। सो ओवरऑल इन सबको मिला के देखे तो 10,223 सीट्स के लिए वैकेंसी रहेगी। घबराना नहीं है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे जगहों पे कि 50,000 सीट्स आने वाला है। जी हाँ, जरूर आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी ना वो 25,000 के अप्रॉक्स आई थी और लास्टली इंक्रीज करके उसको 80,000 कर दिया गया था। तो इस बार भी आपका 10,000 के करीब में सीट अभी ऑफिशियली अनाउंस किया गया। तो जब तक कि आपकी वैकेंसी आएगी तब तक फ्रेंड्स हो सके इंक्रीज होकर आपका 50,000 हो जाए। रिजल्ट के बाद तक, मतलब जब रिजल्ट आने वाला होता है तब तक आपका सीट जो इंक्रीज करते रहता है। तो घबराना नहीं, आपको तो एक सीट से मतलब है और 10,000 भी कोई कम सीट नहीं होता है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 9,321 सीट रहेगा, फीमेल्स के लिए 899। बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में कि एज लिमिट मैम कब से कैलकुलेट होगा। तो देखो फ्रेंड्स, चांसेस ये रहने वाले हैं कि जैसा आपका फॉर्म स्टार्ट होगा नवंबर में, तो आपका जो एज कैलकुलेट होगा 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग, या फिर आपका 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अभी कोई भी आपको क्लियरली नहीं बता सकता जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। तो टेंशन किस बात का है, अभी सितंबर आपका हाफ बीत चुका है, नवंबर से फॉर्म आने वाला है, तो नवंबर से पहले आपको पता चल जाएगा कि एज लिमिट कब से कैलकुलेट होगा। नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो चलिए आगे मैं बता देती हूँ, ये सब सीट्स वगैरह तो आपने समझ लिया, आप तैयारी कैसे करोगे। बस आपका 180 डेज बचा है एग्जाम में, तो किस तरह से तैयारी करना है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है 160 मार्क्स के लिए, टाइम मिलता है आपको 60 मिनट यानी कि 1 आवर का, निगेटिव मार्किंग भी रहता है 0.50 का,
तो आइए सब्जेक्ट वाइज बता दूं कि कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होता है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश और हिंदी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश चूज कर रहे हो या हिंदी, दोनों में से किसी एक से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा, 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स, टाइम 1 आवर, निगेटिव 0.50। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रही बात की एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका जो फिजिकल होता है, उसके बाद डीवी एंड मेडिकल होता है, फिर जाके आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो सैलरी भी बता देती हूँ, इससे आपका जो है तैयारी का स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको सैलरी मिलती है 21,700 से लेके 69,100 के बीच। स्टार्टिंग सैलरी रहता है आपका 40K के आसपास पर मंथ मिलता है। ये सब बस नोटिफिकेशन में दिखाने के लिए होता है, जो पर्क्स अलाउंस है सारा कुछ ऐड वैड करके आपको स्टार्टिंग में 40K के अप्रॉक्स मिलता है। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, तो इसके लिए अच्छे से तैयारी भी करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि आपका जॉब का लोकेशन क्या होगा। जॉब लोकेशन विल बी फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में आपको जहाँ भी एलोक्वेट कर दिया जाएगा आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, आपको वहाँ जाके सर्व करना पड़ सकता है। रही बात एग्जाम सेंटर की, तो ये भी ऑल ओवर इंडिया में होता है, और एसएससी ना आपको अपने चॉइस की 3 सेंटर्स चूज करने का मौका देता है, तो आप अपने नियर बाई 3 सिटी को आप चूज करके वहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के फोर्सेस वाइज सीट अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन है, आप वहां पर आकर के मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, सबका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी जाके आप फॉलो कर लो, ताकि वहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह डालते रहती हूँ, तो आपको टाइम टाइम पे मिलता रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और भर भर के इसको लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि सबसे जल्दी अपडेट आपके पास पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी फ्रेश गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।